हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ बैंगन भजिया। बैंगन भजिया बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी है, आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बैंगन भजिया बनाने के लिए मैंने एक बैंगन को धो करके इस तरीके से कट कर लिया है। सबसे पहले एक बाउल में मैं 1 से 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट को डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 से 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, अगर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप बेसन भी ले सकते हैं। बहुत ही कम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें एक एक बैंगन को डालेंगे। बैगन को बैटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बैगन के ऊपर बैटर अच्छे से चिपक जाए, बिल्कुल इस तरीके से। आप चाहें तो अपने हाथों से भी इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। 3 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया और अब गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन जब गर्म हो गया है तब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल के गरम होते ही एक एक बैगन को इस तरीके से डालेंगे। तेल डालना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो बस 1 से 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, चाहे तो 4 से 5 चम्मच भी डाल सकते हैं। जो मसाला लास्ट में बच गया है उसे बैगन के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। 3 से 4 मिनट बाद दोनों साइड से इसे फ्राई करेंगे, तो इस तरीके से पलट लेंगे। जब बैगन दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगा बिल्कुल इस तरीके से, तब इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और अब बैगन भजिया बनकर के बिल्कुल रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये झटपट बन जाने वाली बैगन भजिया की रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से बैगन फ्राई, बैगन भजिया ज़रूर बनाइए।